नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ आयु। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम कोलंबो सिटी के काले बीच पर हैं। आप देख सकते हो समंदर की लहरें आपको दिखाई दे रही है। ये तो समंदर है, समंदर तो कितना साफ और क्लीन है वो आप देख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ सिटी कितनी क्लीन है और किस तरह से यहाँ इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है, बनाया गया है। आप देख सकते हैं लोगों के चलने के लिए पगडंडी, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से पब्लिक आ रही है उस तरफ, उसको वो भी पगडंडी बनाई हुई है। ऊपर सीढ़ी है, वहाँ गार्डन टाइप है, आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और यहाँ ये बीच है, फेमस है यहाँ का ये क्षेत्र, लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं। आज संडे का दिन है और लोग है भी सही, जैसे हमारे इंडिया में हम मेले में जाते हैं या बीच पे जाते, तो जिस तरह से यहाँ बच्चों के लिए खिलौने वगैरह होते हैं वो भी यहाँ है, दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की, मैंने पहले के वीडियो में भी कहा, जो अच्छी लगी है वो चीज़ ये है कि क्लीनिनेस, साफ सफाई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो हमारा दरिया यहाँ दिखाई दे रहा है, दरिया का पानी कितना साफ है, किसी तरह की गंदगी कुछ भी यहाँ नहीं है। और दरिया के अलावा जो रास्ता है, या पगडंडी है, या ये फुटपाथ है, फुटपाथ के नीचे दुकानें, स्टॉल्स भी इस तरह से लगाए गए हैं कि हाँ किसी को जाना है तो जा सकते हैं, अगर कभी हाई टाइड आया, पानी आया, तो भी लोग सेफ रहे। पूरा एक प्लानिंग करके ये बनाया गया है। हालांकि कोलंबो काफ़ी गरीब सिटी है, श्रीलंका काफ़ी गरीब देश है, हमारे से भी श्रीलंका की इकोनॉमी पीछे है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें श्रीलंका से सीखनी चाहिए ऐसा हमें लग रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ हमारी गवर्नमेंट, उनको भी इन चीज़ों को, यहाँ की अच्छी चीज़ों को वहाँ इंडिया में अप्लाई करना चाहिए, तो साथ ही साथ हम सिटीजन्स को भी उन चीज़ों को पालना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात किया कि सफाई नहीं है, तो सफाई में मैं मेरे से शुरू करूँ। मेरे हाथ में एक रैपर है, मैंने ज़मीन पे फेंक दिया तो वो गंदगी फैली। ऐसा ही हम इंडिविजुअल अगर उसको उठाएंगे, रखेंगे या डस्टबिन में प्रॉपर डालेंगे तो गंदगी नहीं होती। अक्सर हमारे देश में नई नई जगह पर रंग रोगन होता है और वहाँ दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पान की पीक दिखाई देगी, पान के उससे पूरा रंगा हुआ मिलता है, तो ये काफ़ी वो गंदा लगता है, भद्दा लगता है। यहाँ आपको इस तरह से कहीं पर दिखाई नहीं देगा। तो ये हम कोलंबो सिटी से आपको यहाँ का पूरा व्यू बता रहे हैं और आप ये अपडेट कोलंबो सिटी से ले रहे हो। अभी जैसा मैंने कहा था पहले ही, अब आज के बाद 12 दिन चैनल पूरी तरह से बंद रहेगा और 16-17 तारीख के पहले चैनल पर कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।